आक्रांत भूरि भारेण भूमि दृप्त नृपद्याज दैत्यानीक्षतायुत आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मानं शरणं ययौ। परीक्षित, वो समय था जिस समय लाखों लाखों दैत्यों ने बड़े अभिमानी मदमत्त राजाओं के रूप में प्रकट होकर अपने भार से पृथ्वी को एकदम आक्रांत कर दिया। पृथ्वी कहा कहती है, आगे कहेगी कि मुझको और बोझ नहीं लगता, मुझको तो ये जो विषयी जीव हैं, पापी जीव, ये जब आकर के मेरे पर रहने लगते हैं तो मैं दब जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। मेरे पर आदमी कितने ही रहे, कितना ही बोझ रहे, मुझे बोझ नहीं लगता। पर ये भारी भार तो ये भूमि जितने ब्याज इतनी शतायुत ही हजारों लाखों लाखों हजार लाख हजारों लाख दैत्यों ने जब पृथ्वी में दृप्त घमंड में भरे हुए राजाओं के रूप में प्रकट होकर जन्म लेकर और पृथ्वी को अत्यंत दबा दिया, तब पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई। अब क्या करे पृथ्वी बिचारी, पृथ्वी ने दुखी होकर और सोचा कि अब तो शरण में जाए, कौन बचावे, तो सृष्टि का उत्पादन करने वाले ब्रह्मा जी से संबंध रहता है, और जितने दैत्यों को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी होते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के शरण में ये गई। तो कैसे गई, लोग कहते हैं, बोले मैं आपकी गाय हूँ। गाय जो है करुणा की मूर्ति है, गाय का स्वरूप है ये करुणा की मूर्ति है। तो गौर भूत्वाश्रुमुखी छिन्ना क्रंदंती करुणम विभो हो उपस्थितांत के तस्मयी व्यसनम स्वमवोचत। गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने। तो गाय भी कैसी, बड़ी दुबली पतली गाय, शरीर अत्यंत कृश हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही गाय के चारों तरफ। कसाई कसाई जो हो गाय को मारने को तैयार, पृथ्वी पर पाप बढ़ाने को तैयार। तो गाय जो है बिचारी बड़ी दुबली पतली गाय बनी और रोने लगी, करुण स्वर से रंभाने लगी। गाय जब विपत्ति में पड़ती है तो ऐसी करुण स्वर में रोती है, ऐसी आवाज निकलती है कि सुनने वाले भी प्रभावित हो जाते हैं। तो गाय बिचारी दुबली पतली गाय आंखों से आंसुओं की धारा बह रही, अत्यंत खिन्न खिन्ना और क्रंदंती रंभा रही रोती हुई गाय ब्रह्मा जी के पास पहुंच। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई क्यों आई, पहचान लिया, क्या बात है। तो उसने अपनी कहानी सुनाई, बोले महाराज ये दशा मेरी हो गई। तो ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदैव तथा सह जगाम त्रिनयन स्थिरम क्षीर पयोनिधेह। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये एक क्रम है, दैवभावी क्रम आया है। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं शिकायत लेके, ब्रह्मा जी ले जाते हैं शंकर जी के पास, और शंकर जी लेके विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, तब जाकर के मामला तय होता है, उपाय वो बताते हैं। पर सीधे नहीं जाते, एक प्रोसेस जाने का यह है कि पहले ब्रह्मा के पास जाए, ब्रह्मा से विष्णु जी के पास, ये शंकर जी के पास। तो जब ये शंकर ब्रह्मा जी के पास गाय पहुंची तो बड़ी सहानुभूति के साथ, धीरज के साथ ब्रह्मा जी ने सब बात सुनी। दुखी की बात सुन लेना ये भी बहुत बड़ा एक अच्छा स्वभाव है। दुखी की बात लोग नहीं सुनना चाहते, औरों की बात तो सुन लेते हैं, पर दुखी की बात सुनने में का अवसर नहीं मिलता लोगों को। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दुखिया गाय पृथ्वी मैया, तो इसकी बात सुनी बड़ी सहानुभूति के साथ पूछ पूछ करके। फिर बोले कि अब एक काम करो, देवताओं को साथ ले चले शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए देवताओं को लेकर के, फिर कहा जब तुम तो आगे हो जाओ गाय से, और शंकर जी और हम ये सब देवता अब चलते हैं
क्षीर पयोनि से क्षीर सागर के तट पर जाकर के भगवान को पुकारेंगे। तो गैया के साथ ले गैया को पृथ्वी को साथ लेकर के शंकर जी और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वशाखतम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। भगवान देव देव हैं, देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी आराध्य हैं, और वे अपने भक्तों की सारी कामना पूर्ण करने वाले हैं, सारे क्लेशों का हरण करने वाले हैं। जगन्नाथ हैं, जगत के एकमात्र वे स्वामी हैं। तो क्षीर सागर के तट पर गए, जा करके उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वतो चक्षु भगवान जो हैं उनकी स्तुति की, और समाहितः स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई, समाधि लगी, एक चित्त हो गया भगवान के साथ, चित्त उनका जुड़ गया। इतने में सुना उन्होंने कि आकाश में से एक आवाज आ रही है, गिरम समाधौ गगने समीरताम निशम्य वेदाश्च दशा अनुवाच गाम पौरुषी मे शुनु तामरा पुनर् विधीयता मस्तहिमाचर। कहा भाई, समाधि अवस्था में आकाशवाणी हुई कि देवताओं हमने भगवान की बात सुनी है। आकाशवाणी कहती है कि हमने भगवान की बात सुनी है, और अब तुम लोगों को मैं सुना रही हूँ, तुम लोग भी मेरे द्वारा इसको सुन लो, फिर वैसा ही करो। लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूँ वैसा करना जल्दी से जल्दी, माँ चरम देर न करना इसमें। पुरे पुंसा धृतो धराज्वरो भवद विरंशीर यदुपजन्यथाम स याव दुर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपेश्चरित भूवि। बोले तुम लोग आए हो ना, तुम्हारा तो आना ठीक ही है, पर ये पृथ्वी के कष्ट का पता भगवान को पहले से है, वे सब जानते हैं। वे सारे ईश्वरों के ईश्वर, ईश्वरेश्वर ईश्वरों के ईश्वर हैं, तो वे अवतार लेंगे, तो वे आवेंगे, और वे अपनी काल शक्ति के द्वारा अवतार लेकर जब पृथ्वी का भार हरण करने को आवे, उसके पहले पहले तुम लोग जाओ और जा करके यदुकुल में जन्म ले लो। सब देवता जाएं और जा करके यदुकुल में सब के सब जन्म ले लें, और वहां भगवान की लीला में पार्षद बन करके सहयोग दें। देवताओं के लिए भी सेवा बताएं कि तुम लोग जाओ। और ये भगवान जो है, ये पहले वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते सत्प्रियार्थम संभवंत सुरस्त्रियः। ये वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम परात्पर भगवान जो हैं, ये प्रकट होंगे, और संभवंत सुरस्त्रियः तत्प्रियार्थम, या जनिष्यते तत्प्रिया, वो कहते हैं कि राधा के साथ अवतीर्ण होंगे। ये संकेत किया राधा के साथ भगवान वहां पर अवतीर्ण होंगे, तो इसलिए राधा की सेवा भी तो होनी चाहिए। तत्प्रियार्थम, उनकी जो प्रिया राधिका है उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं भी जाएं, देवांगनाएं जाएं, तो उनकी जो प्रियतमा है प्रिया राधा जी, उनकी सेवा के लिए देवांगनाएं जा करके जन्म ग्रहण करें। ये गोपियों में बहुत सी देवांगनाएं थी, देवांगनाएं थी, श्रुतियों की ऋचाएं थी, ऋषि मुनि थे, ये सब। तो इन देवकन्याओं से कहा, देवांगनाओं से, कि तुम लोग भी जाओ सुरस्त्रियः तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया की सेवा के लिए, उनकी उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रिया की सेवा के लिए तुम लोग भी सब जाओ वहां। और वासुदेव कलानंत सहस्रवर्णस्वरात् अग्रतो भविता देवो हरि प्रीति कीर्षयाः। और जो अनंत भगवान शेषनाग हैं, जो इनके भाई बनते हैं, अब के बड़े भाई बन के जाएं।
तो ये स्वयं प्रकाश जो भगवान शेष हैं अनंत, और जो भगवान की कला है, और कला होने के कारण ही जो अनंत हैं। अनंत का अर्थ ये है जिसका अंत न हो, अनंत का अंश भी अनंत होता है। ऐसे जो नित्य अनंत हैं भगवान शेष है, और जिनके हजार श्रीमुख हैं, हजार श्रीमुख इसीलिए रखते हैं कि एक श्रीमुख से भगवान का गुणगान करने में उनको मजा नहीं आता, तो उन्होंने मांग के हजार मुंह। राजा जी ने तो कहा कि अरे हजार से क्या होता, करोड़ मुंह हो तब कहीं श्री कृष्ण का नाम लेने का आनंद आवे, अब एक मुख से क्या हो। तो शेष जी ने हजार मुख अपने लिए, बुरा लगता ना एक हजार मुंह हो तो कितना बुरा लगता है, पर वो कितना अच्छा कि हजार मुंह से भगवान का गुणगान करते करते भी न थके। तो जिनके हजार मुंह हैं वे भगवान अनंत भी, आकाशवाणी कहती है देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए, और अगर तो उनके बड़े भाई बनकर पहले से पहले वो पहले चले जाएं आगे जा करके और भगवान की लीला के अभिनय के लिए तैयारी करें। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभु नाम शयन कार्यार्थी संभविष्यति। योग माया बिना काम नहीं होता, भगवान की जो योग माया है अत्यंत ऐश्वर्यमय योग माया भगवान की, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, तो भगवान की आज्ञा से ये योग माया भी अंश रूप में जाएंगी, वहां पर अवतार लेंगी और ये भगवान की लीला का कार्य संपन्न कराने में सहायता करेंगी। कल मौका लगेगा तो बताएंगे कि इसमें श्री कृष्ण के, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का भी इसमें संकेत है। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत्यादि श्याम रगणान प्रजापति पतिर विभु आश्वास्य महीम गीर भी स्वधाम परमम ययो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये प्रजापति पति, प्रजापतियों के जो स्वामी हैं भगवान ब्रह्मा जी, उन्होंने देवताओं को आकाशवाणी सुनकर ये आज्ञा दी कि अब तुम लोग जाओ, ये आकाशवाणी हुई है, और पृथ्वी से भी कहा, ढांस बंधाया पृथ्वी को, आश्वासन दिया आश्वास्य महीम, पृथ्वी को कहा कि अब तुम डरो नहीं, अब तुम्हारा भार बहुत जल्दी उतर जाएगा, और यूं कह करके इन सबको भेजा और आप अपने परम धाम को, स्वधाम को गए। शूर सेनो यदुपचर मथुरा मावसन पुरी माथुरान शूर सेना से विषयान बूझे पुरा। एक राजा थे यदुवंशियों में, उनका नाम था सूरसेन, वे मथुरापुरी में रह करके ये माथुर मंडल और सूरसेन मंडल इन दोनों का शासन किया करते थे। उसी समय से राजधानी तत्पसाभूत सर्व यादव भूभुजा, उसी समय से मथुरा ही सारे यदुवंशियों की, राजाओं की राजधानी हो गई थी। कौन सी मथुरा? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि ही, ये मथुरा की महिमा कहती साथ ही, मथुरा में भगवान श्री जो हरि हैं ये सदा रहते। मथुरा में भगवान जो हैं ये नित्य विराजित रहते हैं, नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान के द्वारा ये नित्य संभूषित रहते हैं, नित्य विराजित रहते हैं भगवान इसमें, ऐसी मथुरा। तो उस वो मथुरा उनकी राजधानी हो गई थी। तस्याम तो कदचित छोरे वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्य या सार्धम प्रयाणे रथम आरुहम। तो मथुरा में ये सब रहते थे, तो सूर्य जी के पुत्र थे वसुदेव जी, वो उनका देवकी के साथ ब्याह हुआ, और देवकी के साथ ब्याह करने के बाद वो रथ पर सवार हुए अपने घर जाने के लिए। तो
उग्रसेन सुत कंस स्वसु पृच गीर्षया रश्मीन हयानाम जग्राह रऊकुमयी शतव्रता। चली सवारी अब तो पीछे पीछे बहुत से रथ थे, सौ कुछ सैकड़ों रथ थे, सोने के बने हुए सब रथ दायजे में दिए और बारात में आए सब को सब रथ चले। और ये लगती थी चचेरी बहन, कंस जी की चचेरी बहन थी। तो कंस ने सोचा कि अब बहन जा रही है, बड़ा स्नेह उपजा मन में, तो कहा भाई सारथी से कहा तुम हट जाओ, बहन के तो घोड़े हम हाँकेंगे। तो हटा दिया सारथी को रथ से और स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में लेकर रथ हाँकने के लिए कंस बैठ गया। इसलिए कि बहन बड़ी राजी होगी कि देखो भाई हाँक रहा है। तो देवकी को प्रसन्न करने के लिए ससुप्रीत की ईर्ष्या, देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बहन को राजी करने के लिए कंस बड़े स्नेह से स्वयं रथ हाँकने लगा। तो देवकी के जो पिता थे देवक, उनका बड़ा स्नेह था अपनी पुत्री पर, बड़ा दहेज दिया था, चतुशतम पारिवर्धम गजानाम चतुशतम दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादात देवक बरबद्धु सुमंगलम शंखतुर मृदंगा से निदुर्दुंधु समम। कहा कि भाई इस प्रकार से बड़ा स्नेह था, तो कन्या की विदाई के समय और उन्होंने सोने के हारों से सजे हुए 400 हाथी दिए, 15,000 घोड़े दिए और 1,800 रथ दिए और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 दासियां दी और चारों तरफ मंगल गान होने लगे, बाजे बजने लगे, शंख बजे, तुरही बजी, मृदंग बजे, धुंधुबियां बजी विदाई के समय और ये सब जाने लगे। प्रयाण प्रक्रम तावत बरबद्धु सुमंगलम, ये सब जाने लगे उस समय। अब कंस हाक रहा और वो रथ जा रहा, तो पथि प्रग्रहणम कंस माभास्या शरीरवाक हास्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधा। आकाशवाणी, कंस हाथ में घोड़े के लगाम लिए हाँक रहा था, इतने में आकाशवाणी बोली, अरे मूर्ख, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू जिसको रथ में बैठा के लिए जा रहा है उसका आठवें गर्भ का संतान तुझे मार देगा। अब महाराज कहां तो बड़ा स्नेह था मन में, बहन को रथ से बैठा के हाँक रहा था। तो कहते हैं कि जो विषयी लोग होते हैं इनका स्नेह उनके स्वार्थ में बाधा नहीं आती तभी तक रहता है, क्योंकि इनका सारा स्नेह जो है वो स्वार्थमय होता है। यहाँ बड़ाई मिलती है ना, यहाँ कि देखो कंस कैसा महात्मा है, कितना प्रेमी है कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा है। बहन से प्रेम थोड़ा ही था, वो तो बड़ाई सुनने की अभिलाषा थी, विषय था मन में। तो जो आकाशवाणी सुनी कि आठवीं संतान तुझे मार देगी, इत्युक्त खल पापो भुजानां कुलपांसना भगिनी हंतुमारब्ध खड़ग पानी कचे गृही। बदल गया सारा का सारा स्वांग उस समय, बड़ा पापी था कष्ट कंस, बड़ा पापी था, पाप बड़ा पापी था और उसके दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, बड़ा खल था, बड़ा दुष्ट था, मानो वो भोज वंश का कलंक ही था, एक तरह से राक्षस था। तो आकाशवाणी जहां सुनी वहां उसका सारा स्नेह बह गया, जरा सी भी उसने बात नहीं सोची कि भाई आगे चल के देख लेंगे, अभी तो काम नहीं निभाओ, इसको घर तो पहुंचा दो फिर देख लेंगे, इतना भी नहीं सोचा। चट उसने तलवार खींच ली मैम से,
तलवार खींच ली खड़ग पानी और पीछे मुड़ करके बहन की चोटी पकड़ ली। कहां तो पहुंचाने जा रहा था, कहां अपने मरने की बात सुनते ही तलवार खींच कर चोटी पकड़ ली उसने बहन की, उस समय जो अपने पति के साथ विवाह करके जा रही थी बहन, उस बहन की उसने चोटी पकड़ ली, तलवार खींच ली, डराने के लिए नहीं, हंतमार अब्द मारने के लिए, मार डालूंगा, तैयार हो गया मारने के लिए। शर्म भी नहीं आई। तम जुगुप्सित कर्माणाम निशंसम निरपत्रपम, बड़ा निर्लज्ज, सभ्यता भी नहीं सामने उसके जरा सी आई कि भाई अभी तो न मारो, अकेले में फिर मार वार देंगे इस समय तो। पर वो तो आवेश आ गया उसको, जहां स्वार्थ में उसको बाधा आती दिखाई दी कि कंस का मन उछट गया। कंस ने कहा राम राम राम, इसको तो एक मिनट भी जीवित नहीं रखना है, अभी मार डालना। चोटी पकड़ ली और इतना इतना क्रूर और इतना निर्लज्ज हो गया, माने जो बहुत पाप करता है ना, जो काम करता है उसके करते करते शंका निकल जाती है। तो न मालूम कितनी स्त्रियों को अब तक ये मार चुका था कंस, न मालूम कितने खून कर चुका था, कितनी बदमाशी कर चुका था, तो ये करते करते इन सब बातों में ये निर्लज्ज हो गया था। जब तक पाप करते शर्म आती है तब तक कुछ बचता आदमी पाप से, पर जब खुलकर पाप करता है तब तो वो पापमय बन जाता है। तो ये खुलकर पाप करने वाला महापापी रहा कंस दुष्ट, तो निर्लज्ज हो गया। तो इसने जब मारने की तैयारी की, वसुदेव जी कांप गए। वसुदेव जी थे बुद्धिमान। वसुदेव जी ने सोचा कि इसके हाथ में है तलवार, अब ये लड़ाई करने की बात भी सोचेंगे तो ये तलवार पहले मार ही देगा, देवकी तो मरी जाएगी, फिर चाहे इसको मारो, देवकी के मरने के बाद चाहे बदला लो मारो, उससे तो कोई लाभ होगा नहीं। तो देवकी के मरने से पहले पहले ही बुद्धिमानी से समय देख करके एक बार रक्षा कर ली जाए, बचा लिया जाए, फिर देखेंगे। तो उनके लिए कहा वसुदेव महाभाग, महाभाग बड़े भाग्यशाली थे, जिनकी बुद्धि ठीक वही महाभागवान, महाभाग, और जिनकी बुद्धि बिगड़ी वो तो अभागा है ही। तो समय पर विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि न बिगड़े, विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय दे, विपत्ति के समय जिसकी बुद्धि का निश्चय सम्यक हो, वही वास्तव में महाभाग है, भाग्यवान है। विपत्ति में घबरा गया, विपत्ति में आवेशित हो गया, विपत्ति में कुछ भी कर बैठा, फिर तो कर बैठा, फिर तो गया हाथ से मौका। तो ये वसुदेव जी महाराज जो रहे, ये बड़े, तो उन्होंने सोचा कि खल है ना, ये खल को राजी करने के लिए जरा उसकी खुशामद करनी पड़ती है, बड़ाई करनी पड़ती है। तो वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान रहे, तो वसुदेव महाभाग उवाच परिसांत्वयन, उसको देखा गया तो मारने को तैयार है, तो हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ ली, बोले जरा बात सुन ली, जरा बात सुन लीजिए, मारी जरूर, जरा से सुन लीजिए बात। शांत करते हुए और वसुदेव जी ने बड़ी नम्रता के साथ और मुंह पर कोई मलानता न लाते हुए, मानो इस प्रकार का मुंह उन्होंने किया उस समय कि कंस के गुणों पर मुग्ध है। कंस को यही भान हुआ कि ये तो भाई सचमुच महात्मा है, ये मेरे गुणों पर मुग्ध हो रहे हैं, तभी तो बड़ाई करते हैं। तो वसुदेव जी इस प्रकार की आकृति बना करके वसुदेव उवाच का श्लाघनीय गुण सुन रही है, भगवान बोले शुष्करा बड़ाई, स कथम भगिनी मन्यात श्रिया मुद्वाह पर भाई। वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु जन्म ताम भी, वसुदेव जी बोले आह क्या आपकी तारीफ की जाए कंस जी, आप तो महाराज होनहार हैं,
आपके वंश में आप कुल दीपक हैं और आप तो वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं और आपके समान संसार में भी कौन है। सारे बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करे तब कोई बात सुनता ही नहीं। पहले बोले कौन सुनाने वाले आए, हम तो मार देते हैं। बोले सारे शूरवीर आपके बगैर, इसमें एक दूसरा भी थे, इतने शूरवीर होकर के तुम स्त्री को मारते, बहन को मारते हो। तो कहा कि भाई आप जो हैं ये बड़े शूरवीर हैं, शूरई श्लाघनीय गुण शूरई ही, केवल मामूली लोग आपके बड़ाई करते हो, आपके गुण गाते हो, सो बात नहीं है, बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की श्लाघा करते हैं, सब बड़ी बड़ाई करते हैं आपकी, और आप भोज बन सके तो बस यश बढ़ाने वाले ही। दिवाकर है भोज वंश का, आपने सूर्य है उसके, आपने फैला दिया यश तमाम, इतने बड़े आप, ये जरा सी छोरी है, तीन तीन बात, आप सूरवीर हैं और आप तो यशवान हैं, दो बात दिखाई कि सूरवीरता भी नहीं होगी इसमें और यश भी जाएगा। बोले इसमें तीन बात है कंस जी, एक तो आपकी बहन है, दूसरे जात की स्त्री, और तीसरे ब्याह का मौका। तीन बात, स्त्री जाति और आपकी बहन और ब्याह का अवसर। भला इस समय इसको मारने में जरा बिछा लीजिए आप, ठीक नहीं मालूम होता है। सकथम भगिनी हन्यात स्त्री मुद्वा परवणी। और महाराज फिर एक बात आप सुने तो, मृत्यु जन्मो था अम्बीर देह न सहज आये थे, अद्य वाद शतांते वा मृत्युर्वी प्राणी नाम ध्रुव। आप बड़े सूरवीर, आपको मार कौन सकता है, पर एक बात सच है, वो तो यही है, आप बड़े सूरवीर हैं, वीर वीर संबोधन किया यहाँ पर भी, आप बड़े शूरवीर हैं महाराज, जरा सोचिए। जन्म जब लेता आदमी तो मौत को साथ लेके जन्म लेता है, जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, चाहे कोई आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, जो जन्मा है वो मरेगा ही। और देह पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवशः देहांतर मनु प्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। पहली अगर कड़ी बात कहते सुनते ही नहीं, अब वो बड़ाई सुनी तो तलवार हाथ के हाथ में रह के सुनने मन लगे, और ये बात तो ठीक है, बड़ाई की बात आ गई ना तो प्यारी लगी तो तलवार रुक गई। बोले कहता तो बात ठीक, हमको सूरवीर बताता है और ये भी बताता है कि तो कितना यश फैला हुआ है, तो हमारे गुण को जानता, देखे क्या कहता सुने। तब ये वसुदेव जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि महाराज ये जब मौत आती है, शरीर का अंत होता है, तो जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके पहले को छोड़ देता है, तो ये कुछ जानकर नहीं करता, विवश होता है, कर्म उसको विवश करते हैं और अवश हो करके, परवश हो करके उसको मरना पड़ता, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और बोले महाराज ये शरीर का जाना और छोड़ना कैसा है, कि जैसे जोंक होती है ना, बजन तिष्ठन पदई के न यथी वही के न गच्छति यथा तन जलू कैवम देही कर्म गतिम गतः। जैसे चलते समय मनुष्य आगे पैर जमा कर पिछड़ा उठाता है, और जैसे जोंक जो है अगले तिनके को पकड़कर पीछे वाले को छोड़ती है, इसी प्रकार से ये जीव भी कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद इसको छोड़ता है, यहाँ वो मिला ये छोड़ा। तो स्वप्ने यथा पश्यति देह मीदृशं मनोरथे नाभि निविष्ट चेतसः दृष्टसुताभ्याम मनसा अनुचिन्त्यन् प्रपद्यते तत् किमपि यपस्मृति। जैसे कोई आदमी जागृत अवस्था में
राजा के ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंद्रादी देवताओं के ऐश्वर्य की बात सुनकर और अभिलाषा करने लगता है वैसी, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल जाता है और उसको सपना आता है कि राजा हो गया और इंद्र हो गया, और वो सपने में भी दरिद्रता को भूल जाता है। और शेख चिल्ली लोग क्या करते हैं कि जागृत अवस्था में ही ये होगा, यूं राज मिलेगा और यूं मिल गया फिर यूं भोगना और यूं भोगेंगे, इस प्रकार से तन्मय हो जाते हैं, उस समय अपने देह को भूल जाते हैं। वैसे ये जो जीव है ये कामना और कामना के लिए किए हुए कर्मों के वश में होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है, इसको भूल जाता है। तो ये जो मन है जीव का ये कैसा है, हो गया। तो इस प्रकार ये वसुदेव जी ने कहा, इसका फिर कर देंगे, वो कहा कि भाई आप देखिए कि जीव का जो मन है ये विकारों का समुदाय है, पुंज है। ये जब मनुष्य का मरने का समय आता है तो अनेक जन्मों के संचित कर्मों की वासना से और जिस शरीर के चिंतन में लीन हो जाता है, जैसा चिंतन करता है उसी प्रकार की उसकी गति दूसरा जन्म उसको प्राप्त होता है। तो ये अज्ञान के द्वारा ही आना जाना मालूम होता है, जैसे घड़े की के अंदर सूर्य हिलता मालूम होता है, सूर्य हिलता नहीं, इसी प्रकार से। तो इसलिए अंत में कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, जो भी आदमी अपना कल्याण चाहे उसे किसी के साथ भी द्रोह नहीं करना चाहिए। तस्मान कश्चित् द्रोह माचरित सतथा विरह, द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में तो शत्रु से भय रहेगा, जिससे भय होगा उससे डर रहा, कहीं मार न दे, कहीं मार, यही भय आया कंस को, और जीवन के बाद फिर परलोक में भय रहेगा। तो बुद्धिमान इसमें ही है, तो फिर ये आपकी छोटी बहन और ये महाराज बड़ी दीन है, इस समय कोई प्रतिकार कर नहीं सकती, आप उसका सिर काट लें अभी तो बिचारी रोने के सिवा क्या करेगी, बड़ी दीना है। ऐसा तवा नुजा बाला कृपना पुत्री को उपमा, और आपकी बेटी के समान है, पुत्री को उपमा आपकी बेटी के समान है, और अभी तो महाराज इसके ब्याह के कंकन वंकन में सब बंधे हुए हैं, हैं। तो ऐसी अवस्था में आप दीन वत्सल हैं, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, तो दीन वत्सल पुरुष जो आप जैसे हैं वे इस बिचारी दीना को मार देंगे, ये उचित नहीं। इस प्रकार कह करके भी अभी तो ये मानेगा नहीं, अभी तो वचन देंगे तब मानेगा। हरि ओम तत्सत्। श्री गोविंदम प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्, वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम्, शङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम्, इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम्, वृन्दावनालयरुहं वसुदेवसोमम्, नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासिकरणम्, विकसित नलिनाशयम् विस्फुरन् मन्दहास्यम्, कनकदुषदुकूलम् चारुवर्हावसूलम् कमपि निखिलसारम् नवमि गोपीकुमारम्, वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात्, पीताम्बराधरुणदम्, कठिन देख चिंता नहीं करनी दूसरी,
सीताम्बरा द्रुम बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कंस के कारागार में वसुदेव देव की बंद है और भगवान श्री देवकी जी के उदर में प्रविष्ट हो गए हैं। तो भगवान का ये देवकी के उदर में आना देवताओं के लिए ऋषियों के लिए बड़े ही आनंद की बात है। तो देवता ऋषि तमाम शंकर ब्रह्मा आदि नारद आदि ऋषि एकत्र होकर के कारागार में आए और वो स्तुति करना चाहते हैं। तो एक महानुभाव लिखते हैं बड़ा सुंदर, वो लिखते हैं कि जो मुक्ति जो स्वतंत्रता अपने जीवन से भगवान को हटा दे वो स्वतंत्रता भी सर्वथा त्याज्य है। और जो जेल खाना भगवान के साथ संपर्क जुड़ा दे और देवताओं को भी उस जेल में आना पड़े पवन करने के लिए वो बंधन भी बड़ा शुभ बंधन बड़े सौभाग्य से मिलने वाला बंधन। तो वसुदेव देव की बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनकी दैहिक स्वतंत्रता छिन गई, परतंत्र हैं वे, पर उनकी ये परतंत्रता कितनी महान है कि भगवान स्वयं भगवान को परतंत्र बनाकर उनके उदर में ला दिया। ये परतंत्रता, तो प्रतंत्रता इनकी क्यों हुई है? इसीलिए हुई कि श्री कृष्ण इनको अत्यंत प्रिय थे। ये प्रतंत्रता किसी भोग कामना से नहीं हुई, किसी पाप से नहीं हुई। भगवान में एकांतिक मन लग जाए, बुद्धि लग जाए, बाहर का कोई काम रहे ही नहीं, इसलिए भगवान ने मानो अपने पधारने से पूर्व ही वसुदेव देवकी को ध्यान लगाने का अवसर दे दिया। तो देवता लोगों ने देखा कि जो चराचर विश्व में व्याप्त भगवान है उनकी तो स्तुति किए करते हैं, ये जो स्तवन है यहाँ पर ये देवकी गर्भ में स्थित भगवान का स्तवन है, भला मंगल विग्रह वाले भगवान का स्मरण है। तो देवता लोग ये स्तवन करने के लिए सब तमाम आ गए। जेल खाने के और लोगों को मालूम हुआ नहीं, जेल में सब लोग अपने अपने काम में लगे, किसी को पता नहीं, और देवता लोग अपनी सिद्धि से सबको सम्मोहित करके पधार गए और भगवान का स्तवन उन्होंने आरंभ किया। और स्तवन का जो पहला श्लोक है उसको तो जरा विस्तार से कह दें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो पहला श्लोक है, ब्रह्मा जी बोले, देवता बोले, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। आठ विशेषण दिए हैं भगवान,
आप सत्य व्रत हैं, सत्य पर हैं, त्रिसत्य हैं, सत्य सत्य की योनि हैं, सत्य हैं और सत्यमत सत्य नेत्र हैं, सत्यात्मक हैं। तो इस पर वैष्णव दोषणिकार लिखते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। वो लिखते हैं जब देवता आए, देवता आ तो गए पर देवताओं ने सोचा कि स्तुति क्या करें, इनका गुणगान क्या करें, जिनके गुणों का कहीं था ही नहीं, जिनके अनंत गुण हैं, अनंत गुणवान भगवान के गुणों का वर्णन करना ये तो असंभव है, बल्कि गुण वर्णन करने जाकर गुणों को सीमित करना है, इसलिए संकोच हुआ। फिर मन में आया कि कोई बात नहीं, इनका एक स्वभाव है, ये नाराज नहीं होते, बहुत थोड़े को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक इन्हें अगर एक चुल्लू जल भी दिया जाए, तुलसी का एक पत्र भी दिया जाए, तो ये उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, तो कोई डर की बात नहीं है, वो ये तो प्रसन्न नहीं होंगे। मच्छर भी तो आकाश में उड़ते हैं, उनका भी उड़ना कहलाता है, यद्यपि उनका उनकी उड़ान क्या होती है। इसी प्रकार भगवान का गुणगान ब्रह्मा जी वगैरह सोचते हैं, हम क्या करें, ये तो मच्छर के उड़ने के समान है, पर आकाश अनंत है, तो मच्छर का भी आकाश उड़ना मान लेता है, अवकाश देता है उड़ने के, तो भगवान हमें अवकाश देंगे। इस प्रकार से मन में उनके ढाड़स हुआ, तब बोले भाई ये करे तो सही, लेकिन बोले भी क्या, कुछ बोला जाए तब न, तब त्वाम शरणम प्रपन्ना, आर विशेषणों से भगवान को संबोधन करके बोले कि महाराज हम तो आपकी शरण में आए हैं, कुछ कहना सुनना नहीं, आप जो कुछ वाणी से कहलवा दो वो भले ही कह दें, हम तो आपके शरण में आ गए हैं, दीनहीन शरण में कौन आता है, तो शरण में जो आता है उसमें सबसे पहली चीज होती है दैन्य, असामर्थ्य का बोध, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, इस प्रकार का जिसको निश्चय बोध होता है वो किसी की शरण में जाता है, विषय आगे भी आएगा इसमें। जहाँ तक सामर्थ्य का बोध है, हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ वो दूसरे की ओर क्यों देखेगा, दूसरा हमारा कुछ भला कर देगा, इस तरफ उसकी दृष्टि क्यों जाएगी, स्वयं कर सकता है। तो किसी की शरण होना उसी के लिए संभव है कि जिसको अपने असामर्थ्य का, अपने अशक्तपने का पूरा बोध हो, और जिसकी शरण होना चाहता है उसके सामर्थ्य और सौहार्द में विश्वास। एक आदमी समर्थ तो है, पर समर्थ है अपने में, उसमें अगर हमारे प्रति सौहार्द नहीं है तो उसके सामर्थ्य से हम क्या आशा करें, भय है उसके पास सब कुछ, पर वो देगा क्यों। और एक आदमी सुहृद भी है, पर जिसकी सामर्थ्य नहीं है, वो हमारे साथ सहानुभूति करके रो भले ही ले, पर कुछ दे नहीं सकता। तो भगवान के सौहार्द में और भगवान की शक्ति में जिसका विश्वास हो, और अपनी सब प्रकार की असमर्थता का